हाय गाइस, आज मॉर्निंग हो गई है। कल हम रात में, आज जैसे कि आपने मैंने प्रीवियस वॉल में ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग रात को 2:30 बजे तक घूम रहे हैं, इधर उधर आइसक्रीम खा रहे हैं। तो अभी हम लोग वापस इस तरफ से जाना है, मम्मी इस तरफ से, इधर सब्जी मिलती है। अभी मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग में मम्मी कुछ अच्छा बनाने की ख्वाहिश रखती हुई मेरे साथ चल रही है सब्जी लेने। चलिए मुंबई में भी सब्जी ले लेके देख। लो मेरा मोबाइल पकड़ो। मम्मी ने जबरदस्त कवर भी ले लिया है गाइस, देखिए आप। ताजे छोटा सा निकाल मम्मी सब्जी का बोल के गई थी, पूरा राशन जुटा लिए गाइस, ये देखिए पूरा राशन जुटा लिए है। और इधर उधर फैल रही थी और भी चीजें लेने के लिए, इसको फटाफट वहां से हटा के मैं ले आई हूँ। मतलब आज का तो लियो आधी चीजें, उसमें से ऋषभ खा रहा नहीं खा रहा, ये देखिए पूरा सब्जी जूस, ये वो मोमोज की तैयारी, पनीर सैंडविच की तैयारी, और आज ये वो भी बनाएंगी, दाल बाटी भी बनाएंगी, बाटी चोखा दाल। दाल बाटी तो अपने मारवाड़ी में होता है, बाटी चोखा दाल भी बनाएंगी, सब करेंगी। बाप रे, 2-3 दिन के अंदर क्या क्या कर लोगी मम्मी तुम? अरे जो मन हो रहा है, सब ये सब आज दिन में छुट्टी है, रात को उसको सेट पे जाना है, तो सोचे दिन में गरम गरम ही खा लेगा, ये तो बना देंगे तो खा लेगा ना। आई लव वैसे बाटी चोखा दाल। चलो आ गए हम लोग। So I already created the user story. It was getting validated, but in the meantime, I was just creating some scenarios for the print review. Bhai, khao na. तुम खाओ ना श्रेया। Yeah, because we already added the more story points in the overflow, so that's why Akansha added only 0.4. Speechless. सोच रहे होंगे कि ये पूरे ब्लॉग में ऋषभ खा रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। ये इनका इनका मीटिंग चल रहा था, इनका वो मीटिंग इंग्लिश में बात करते हैं, फराटेदार वो सामने वाला और इंग्लिश में बात करता है। ओ कोई कौन ना 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 यार, दिस ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़ी हूं, बता रहा हूं। नहीं तुम खाए हो घी सियावन साव का, नानी भेजी है तुम्हारे लिए। आम भी है वो लाओ, पहले तुम कपड़े लाओ। ये जो है ये यूके की कॉलेज से पड़ी हुई है, वो भी यूके वाला नहीं, उत्तराखंड का फकीरचंद एंड लकीरचंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी। यार श्रेया, प्रूव योरसेल्फ। कैसे चार इंग्लिश के बड़े वर्ड मारते, रुको मुंह पे मारेंगे ऐसे खींच के। मार मार छोड़, बड़े उम्र में आते ही नहीं है डायलॉग, बड़ी बड़ी है बस। एक दिन बोलने लगे ना तुम सब शौक हो जाओगे। श्रेया हम तुम्हारी तरफ है, आई नो, तुम्हें रहना पड़ेगा मेरी तरफ बेटा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, घेर लेंगे। तुम चुप रहो, जीत के दिखाना अभी आज के चैलेंज में, फिर बात करना। अरे हाँ, चलो वो करते हैं। ब्रेकफास्ट पे बवाल होने के बाद यहाँ हम दोपहर हो गई है और दाल बाटी चोखा खाने के लिए हो गए रेडी। यूपी वाले बवाल मचा दीजिए कमेंट में बता के कि आपको कैसा लगता है बाटी। आज बना है घर में बाटी चोखा दाल, और यूपी वाले
बाटी चोखा तो कभी दूर नहीं रह सकते, और मम्मी के हाथ के बाटी चोखा का तो तोड़ ही नहीं है। सब लोग तो मुंबई पहुंच गया था, बस एक लोगों की कमी थी, वो है मेरे पापा। पापा भी आ गए। ओह माय गॉड, पहले पापा मुंबई से चीजें लाते थे बनारस में, और अब बनारस से मुंबई चीजें लेके आ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि पापा इतनी सारी चीजें लाते हैं, मम्मी पापा इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि ऋषभ को किस चीज की जरूरत है, मुझे किसी चीज किस चीज की जरूरत है। मतलब यार ये जितने तकिया आप देख रहे हैं ना, मम्मी पिंक पिंक कलर का निकाल रही है, वो मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है। ऋषभ को बहुत पसंद है कुशन, तो उन्होंने अलग अलग तरीके का सीखा और वो लेके आई है यहाँ पे। आया है मार्केट में जलवा। और ले जाएगा सेट पे, मुझसे बोले थे कि पिंक वाला ना थोड़ा वो हल्का कपड़ा भी था, पहली बार बनाए थे। देखो ये ठीक लग रहा है ना, ये इस बार थोड़ा अंदाज से ये ना पिंक वाला पतला कपड़ा दे दिया था, तो थोड़ा सा ये सब मोटा मोटा। और क्या है पापा, और भी कुछ है क्या? ब्लैक है। और है क्या? और है क्या पापा? मम्मी चार क्यों लेके आई हो तुम? चार क्यों दोगी? दो उसको दोगी, दो मेरे को दोगी ना? तुम्हारा तुम बोले ना, दूसरा बनाएंगे। आई हो तुम इतना सारा। हाय गाइस, यहाँ पापा आ चुके हैं और हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ मैं पहली बार एक बहुत अच्छा शूट करने जा रही हूँ श्रेया के साथ। जब भी हम डालेंगे, हो सकता है उसके पहले वो रिलीज हो जाए। बहुत सारा प्यार उसको भी दीजिएगा। और श्रेया यहाँ पे आ गई है, बैठी है। प्यार की जरूरत तुमको है भाई। बात तो सही है। तरीके से बेइज्जती जो है वो होती रहेगी, पर मेरा मुस्कान कम नहीं होगा। मुस्कान की चमकार कई हो। कुछ बोलूं चुकी, छोड़ दो इनको, इसके आगे मीम लगा दूंगी। यहाँ हम सब बैठ के शादी का सीडी देख रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार देख रहे हैं हम शादी के बाद। मजा आ गया। बवाल मच गया यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगी। मुंबई को हमने बिल्कुल बनारस बना डाला है। ये मम्मी अपना चौका बेलना लेके एकदम रेडी है, और यहाँ बन रहा है मोमोज, और भी बहुत सारी चीजें बनी है, आपको दिखाएंगे। देखिए मम्मी लोग कभी नहीं बदलती, और पापा लोग भी नहीं बदलते। ये देखिए, ये अपने फोन पे लगे हुए हैं, मानेंगे थोड़ी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? और आज का व्लॉग है मुंबई में। तो मुंबई में हम आज क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। आज बना है बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें। मम्मी क्या क्या लेके आई हो तुम? यहाँ आया है मस्त गर्मा गर्म मोमोज। ये देखो, मोमोज के लुप्त उठाते हुए ये देखिए। पापा आप बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। किसका एक्सपीरियंस? हम लोग सोच रहे थे कि हम बीच पे भी जाएंगे मस्त खाना वाना खा के। यार बचपन में तो कभी सोचा ही नहीं था। जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि यार डिस्टर्ब कर रहा है बीच बीच में। नेक्स्ट लेवल शूट भाई, बहुत टेस्टी है। क्या मजा है, उसको ना ठंडा खाने दीजिए। क्या तीखा है पर बहुत मजा आ रहा है। बहुत दिन बाद आया क्या? तीखा भाई। हाँ तो मैं एक चीज शेयर कर रही थी कि बचपन में मैं सोचती थी यार जो मुंबई में रहते हैं वो लोग कैसे रहते होंगे, क्या करते हैं, निकर बैठे रहते हैं। तो वो लोग ऐसे रहते हैं भाई। ये तो जब यहाँ बैठ रही थी ना मैं, और देखती हूँ ये व्यू, बाहर का जो व्यू है, मजा आ जाता है देख के। बिल्कुल मजा आ जाता है यार। ऋषभ को टेस्टी तो लगा है, पर उसकी हालत यहाँ हो गई है खराब बहुत ज्यादा। अब सुबह क्या होगा देख ले लायक है भाई। क्या बात कर रहे हो, एक मोमोज तो मैं भी ट्राई करूंगी तुम्हारे साथ। यार ला दो फटो। एक काम करे, इसको चटनी में और टमाटर का उतर के बढ़ा देगा। नहीं पता हमको। चलो अभी बाद में खाएगा ना, हम चटनी सही कर देंगे इसको। जबरदस्त तीखा है पर मजा आ गया। आई लव दिस मोमो। दुनिया का सबसे बेस्ट मोमोज है ये, वेज भाई। बहुत तीखा है। तीखा मोमो। और पानी डालो। नहीं बन डाली उसमें, वो नहीं हो पा रहा है। सॉस ले आया। लेट गया भाई। तुम वो जो खाते हो। ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रहा है? क्या खाते हो ऋषभ? देखिए जो तुम पहली पहली ले आए। रुक जाओ, बहुत ज्यादा तीखा है भाई, तुम लोग पागल हो गया। अगर इस सबका आदत छूट गया है ना एकदम तीखा खाने। अब आएगा मजा, देखो अब ऋषभ क्या करता है गाइस। रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड कर। अरे मेरे चखे हैं। रुक 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 जा, रुक जा, रुक जा इधर आ। बहुत पता है। रुक जा, 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 रुक
काम करते चटनी सही कर देंगे हम। एक मिनट रुक जाओ। क्यों करा किया? नहीं देखे तुम्हारी रिएक्शन तो बता। अभी नहीं लगेगा फिर लाइन देखिए। ओह माय गॉड, मम्मी को हो गया वास्तविकता की पहचान। क्या है? हम ही चटनी सही कर देंगे हम। एक काम करो। ऋषभ चड्डी में कबड्डी खेलता हुआ। ऋषभ खाओ चटनी को सही कर देंगे। मम्मी क्या आप तुम मानोगे कि चटनी ठीका था और ऋषभ? हाँ, हाँ, हाँ। क्या सोच रही हो, मुंबई आके बदल गया लौंडा? वो वाला प्लेट दो बाबू, वो आदमी को देखो। कहना मत कि तीखा खाने की आदत कम हो गई, तुमने ज्यादा तीखा बनाया। कभी और नहीं आ रहे मम्मू।